चाहे आप अमीर हैं या गरीब, 3D पेन के पास सबके लिए हैक्स हैं। आपके और आपके क्लासमेट का टेस्ट सेम हो सकता है, पर उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर मिलते हैं। हेमिंग्वे इंटरेस्टिंग है। क्या? मैंने ये तो नहीं डाला था। मैं चेयर भी नहीं करती। रुको, क्या वो मेरा बैकपैक है? इससे मुझे बहुत बढ़िया आइडिया आया। हाँ, एक नाम लिखें और उसे अपने ग्लू पेन से आउटलाइन करें। मैंने बबल लेटर स्टाइल चूज किया और आप रंग भी चुन सकते हैं। हिडन स्पॉट्स ना भूलें, जैसे ई में। और अब रंग भरें। ग्लू को अलग अलग डायरेक्शंस में लगाएं ताकि लेटर साफ दिखें, या फिर हर स्ट्रोक को अच्छे से दें। आउटलाइन बनाएं और एक चेन। चलो देखें अब कौन गलत बैग उठाता है। हाँ, ये मेरा नाम नहीं है। मैडिसन, गलत बैग ले लिया। हाँ, नेम टैग ने बचा लिया। बहुत ठंड है, मैं दोबारा काउच पर सो गई। वो बाल भी अड़ गए। मेरी कॉम कहाँ है? इसमें तो और बाकी फालतू सामान है। बकवास, इस पर तो मकड़ी के जाले लगे हैं। बिल्कुल ही बेकार है ये, पहले की तरह काम नहीं कर रहा। इसमें बहुत दर्द हो रहा है। आउच, बहुत अड़ गए हैं। गह, ये क्या है? निकल जाओ। चलो भी। गह, वो ये मेरे बालों का हिस्सा था। इसने इतने ज्यादा बाल क्यों निकाल दिए? जो भी है, मैं हाथों से कर लूंगी। नहीं, यहाँ कुछ और पड़ा है। तो स्पैचुला कैसा रहेगा? ब्रिसल्स बनाने के लिए 3D पेन इस्तेमाल करें। इसमें थोड़ा समय लगेगा, पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। आप ब्रिसल्स लंबे या छोटे कैसे भी रख सकते हैं। पूरा स्पैचुला कवर करते हुए करते जाएं। अब इसे ट्रिम करते हैं। आधा काफी होगा। हो गया, आपको एक ब्रश मिल गया। अब बाल बिल्कुल भी नहीं अड़ेंगे और मेरे बाल बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे, और इसमें कुछ ज्यादा लगा भी नहीं। देखो मेरे बाल अब कितने बढ़िया है। क्रिएटिव होना अच्छा है और थका देने वाला भी। ठीक है, लगता है ये लेवल में पार कर ही लूंगा। तो चलो, बस फाइनल ट्रेजर रन है, मैं कर सकता हूँ। ये क्या कर रहा है? काफी एक्साइटेड लगता है। मैं ये डंजन जीतने ही वाला हूँ। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? हाँ, नहीं, अभी मैं खेल रहा हूँ। प्लीज, मैंने कहा ना, नहीं, मैं खेल रहा हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने मना किया ना। हाँ तो ठीक है, इतने मतलब ही भी मत बनो। मेरी ड्रिंक भी खत्म हो गई। बढ़िया, सुनो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मेरी गेम को हाथ मत लगाना। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मेरी गेम को हाथ मत लगाना। बेवकूफ कहीं का, तो वो चला गया है, यही मौका है। उसे ये ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वो इस गेम में अपने आप को माहिर समझता है। मैं उसे दिखाती हूँ मैं कितना बढ़िया खेल रही हूँ। वो तो इसके आसपास भी नहीं है। ये लो, और ये कैसा लगा? आओ, आओ, नहीं, मैंने मग गिरा दिया। आओ, गिर गया। नहीं, ये तो टूट गया। अब मैं क्या करूँ? अब उसे पता चल जाएगा कि मैं उसकी गेम खेल रही थी। एक सेकंड रुको, मैं समझ गई। जी हाँ, तुम मेरे साथ आ रहे हो। अब मैं अपना 3D पेन इस्तेमाल करूँगी, इससे सारी परेशानी हल हो जाएगी। बस इसके कोने को फेस करना है। हाँ हाँ, अभी तक तो ठीक लग रहा है, ऐसा ही करते रहना होगा। अब इसे ऊपर की तरफ से लगाएंगे और लाइंस बनाते जाएंगे, जैसे इसे स्टिच कर कर बंद करना हो या एक पैच बनाना ही समझ ले। इसमें बहुत सारी लाइंस चाहिए होंगी, और जरूरी नहीं है कि परफेक्ट हो, बस काफी सारी बेस लाइन होनी चाहिए। हाँ, और ये देखो, लगता है मैंने उसे ठीक कर दिया। मैं इससे अच्छा और कुछ नहीं कर सकती थी। ओ नहीं, वो वापस आ रहा है। मुझे अपनी जगह पर जाना होगा। जल्दी करो, चेक पर वापस चलो। मैंने कर दिखाया। कुछ तो गड़बड़ है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। लगता है यहाँ कुछ ठीक नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ,
खैर छोड़ो, जो भी हो। चलो मैं अपना मग वापस फिल कर लेता हूँ। इस लेवल को जीतने के लिए मुझे हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। बढ़िया है, उसने देखा तो नहीं ये मेरे मग पर क्या है। खैर ये इसका क्या ही कर लेगी। छोड़ो मैं अपनी गेम खेलता हूँ। मैं जीत रही हूँ। थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, इससे मुझे नींद आ रही है। ओह हाँ, इंटरेस्टिंग। ओह ये क्या है, ये कैट तो नहीं थे। मेडिसिन के ग्लासेस, हो वो मुझे मार डालेगी। हो ये मेरा बट, लेकिन ये पेन सब ठीक कर देगा। पहले लेंस को इसे आउटलाइन करें और कोने कोने पर करते जाएं जब तक ये पूरा ना हो जाए। अब सही लग रहा है, अब आपको बस इसे कनेक्ट करना है। और अब ईयर पीसेस, और हो गया। मुझ पर तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आराम से, बच गई। ये तुम्हारा ही साइज है। क्या मैं ग्लासेस लगा कर ही सो गई थी? हे भगवान, हाँ ये अजीब है। हमने कर दिखाया। फिर मेहनत का काम है, ये कैसे हो सकता है? कमाल की डिस्कवरी है। बस आराम से, ये तो रोमन पॉटरी का एग्जाम्पल है। मैं फेमस हो जाऊंगा। मुझे इसे कहीं सुरक्षित रखना होगा। आओ ये शेल्फ काम आएगी, कितना खूबसूरत है। अब हम सफाई करेंगे, हर जगह डस्ट है। हाँ ये कप यहाँ क्या कर रहा है, कितना पुराना सा है। मैं जानती हूँ इसका क्या करना है। कप को उल्टा रखें, एक एल्यूमिनियम बॉल की शीट लें और इसके एक बॉल बना दें। एल्यूमिनियम बॉल के ऊपर थोड़ी सी ग्लू लगाएं। अब इसे कप के बेस पर चिपका दें। ऐसी ही और तीन बॉल्स लगाएं। इस तरह एल्यूमिनियम फॉल को शेप दें और कप के साइड पर लगा दें। और दूसरी साइड फॉल की एक लंबी स्ट्रिप लगा दें। अब फॉल के ऊपर कलर्ड ग्लू डालें, कोई भी जगह ना छोड़ें। कप को भी ग्लू से ढक दें। पहले रिम से शुरू करें और फिर ग्लू को नीचे आने दें। जब ये सेट हो जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। एक स्माइली फेस भी बनाना, ये काफी बेहतर है। हे hey, तुमने मेरा आर्टिफैक्ट देखा? वो एक छोटा सा कप था, काफी पुराना दिखता था। ओ, मैंने उसे ठीक कर दिया। देखो ये कैसा मजाक है, मेरी इतनी मेहनत खराब हो गई। तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं ये नहीं, ये बिल्कुल काम नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बकवास है, मेरा पूरा वार्डरोब एकदम बकवास है। ये कैसा तूफान है, ये क्या हो रहा है? मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम किस बारे में बात कर रही हो, इतने सारे कपड़े तो हैं। पर जेक ने मुझे डेट पर जाने के लिए पूछा। जेक, हे भगवान, तो अब हम क्या करें? खैर ये शॉर्ट कैसी रहेगी, आपको क्या लगता है? या फिर ये रेड ड्रेस, या ये कुछ ज्यादा है। मुझे नहीं लगता ये अच्छी लगेगी। रुको, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। मैं भूल गई थी मेरे पास एक क्यूट सा क्रॉप टॉप है। ओह, पर इसके साथ पहनने के लिए मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। रुको, मैं जानता हूँ तुम क्या कर सकती हो। हाँ मैं समझी नहीं। ओह हाँ डैड, आप बहुत स्मार्ट है, पक्का इसमें कुछ होगा। नहीं ये कुछ भी नहीं है, कुछ काम नहीं आया। आज की डेट सबसे बेकार होगी, मुझे कैंसिल कर देनी चाहिए। तो हम इसका कुछ कर सकते हैं। मैं बिना इयर रिंग्स के बाहर नहीं जा सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा। रुको, ये नेक पिलो और मेरा 3D पेन, हनी लगता है यही काम आएगा। हे भगवान, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, एक वाटरमेलन स्लाइस की ड्राइंग लेंगे और अब इसे ट्रेस करेंगे। पहले ब्लैक इंक से इसे आउटलाइन करते हैं, बिल्कुल कोने कोने पर। अब अंदर की तरफ भी कुछ लाइंस ट्रेस करेंगे। ठीक है, काफी अच्छा बन रहा है, हालांकि अभी पूरा नहीं हुआ, करते रहना होगा। अब इसमें रेड वाटरमेलन कलर करेंगे, कोनों को भी रेड कलर ही देंगे। ये देखो बिल्कुल आखिर तक। अब ग्राइंड की बारी, ये वाला ग्रीन अच्छा लग रहा है, बहुत मजेदार है, मुझे ये अक्सर करना चाहिए। अब मुझे डार्क ग्रीन चाहिए होगा और मेलन की सीड्स के लिए ब्लैक कलर, बस छोटे छोटे बनाने हैं। हाँ और थोड़े से यहाँ भी,
वो हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ ऐसा ही एक और बनाना है और चाहिए इयर रिंग पीसेस। देखो ये कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, मुझे बहुत पसंद आए। चलो मैं ट्राई करूँ, ये अच्छे लग रहे हैं ना प्यारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डार, आपका आइडिया सच में काम आया। तो चलो अब मैं जूट के साथ डेट पर जा रही हूँ। ठीक है, तुम दोनों अच्छा समय बिताना। अब मेरा नेक पिलो कहाँ है? ओह ये रहा, ये बेहतर है। रुको ये क्या है? ओह एक फोटो। ओह इसे तो देखो, कितनी खुश लग रही है, बहुत प्यारे है। Hey. हाय ब्रायन, मैं मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अरे वाह ये मेरे लिए है, इसे खोलते कैसे हैं? रुको, अरे नहीं मेरा हीरो। बाल बाल बचाओ। हाँ, ओ मेरे पास एक आइडिया है। अपना आईफोन बचाने के लिए आपको बस एक ग्लू गन चाहिए। आईफोन के कोनों पर ग्लू लगाना शुरू करें। ध्यान रहे कैमरा बचाकर फोन के साइड पर ग्लू को गिरने दे। हम चाहते हैं कि फोन सेफ रहे। अब इसे बाकी जगह पर फिल कर दे। अच्छे से ग्लू लगाए ताकि मोटी लेयर बनी रहे। जब फोन कवर हो जाए तो ग्लू को सेट होने दे। अब फालतू की ग्लू हटा दे और ये बन गया एक अनोखा फोन केस। तुम्हें कैसा लगा? ओह ये तो कमाल है, शुक्रिया ब्रायन। ओप्स हे वाह, तुम तो आज चमक रही हो। क्या ये असली है? नहीं ये डेविड है। नहीं मेरे बाल, मैं फ्लोटी होने की कोशिश कर रही थी। ओह ये लंबे बाल, ये बेहतर है, वो मुझ पर ध्यान भी नहीं देता। सारी अटेंशन एवा पे जाती है। सच में? चलो दोबारा करें। सब ठीक है। हाँ मेरा सारा सामान गिर गया, ये दिन तो बुरा ही होता जा रहा है। हाय डेविड। वो एनी की इयररिंग्स देखो। हे मैं, एक्सक्यूज मी, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पसंद है? ये बहुत अलग है, मुझे इंस्टा पे मैसेज करो। एनी अपने आप को बहुत तेज समझती है, उसकी इयररिंग सच में कूल है। मुझे तुम्हारी ईयर कैंडी पसंद आई, मैं तुम्हारी बनाने में मदद करूं। 3D पेन से एक लीफ के पिक्चर को ट्रेस करें और इसे अंदर से भी कलर करें। ये बिल्कुल असली लीफ लग रही है, देखो जब ये सूख जाए इसे चेन से चिपका दें। अब नीचे एक और लीफ लगा दे, आप इसे मिक्सर मैच कर सकते हैं। बढ़िया। हाँ है नी, शुक्रिया। ये लगते तो महंगे ही हैं। क्या ये सब क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरे पेपर से अपनी नजरें हटाओ। पर अब मैं क्या करूंगी? चलो देखते हैं मुझे किसे बुलाना चाहिए। किताब के पीछे छिपना बंद करो और इधर आओ। क्या? अरे नहीं मुझे जाना था। जी हाँ मैंने केमिकल को बोर्ड पर लिख दिया है, तुम्हें इसे बनाना होगा। इससे शुरू कर सकती हो। चलो भी ये लैब है, काम शुरू करो। ओ मुझे कॉल आ रही है, तुम करती रहो, मैं रिजल्ट्स देखना चाहूँगा। उन्होंने मुझे ये करने के लिए क्यों कहा? हे वो वाला भी कर लो। क्या? नहीं ये वाला नहीं, दूसरा वाला। तुमने ये रेड वाला कहा? तुम किसी काम की नहीं हो। वो वाला। रुको ये वाला। बढ़िया ठीक है समझ गई, ये सही रहेगा। अब ये पता चल रहा है। ये क्या था? एक्सप्लोजन। वो तो फंस गए। क्या? ओह नहीं मैंने उनके डेस्क में होल कर दिया। वो ये जरूर देखेंगे, मैं बहुत बुरी फंसने वाली हूँ। तुम बहुत बुरी हो। अब मैं क्या करूँ, मुझे स्कूल से निकलना नहीं है। रुको मेरा 3D पेन, मैं ये ठीक कर सकती हूँ। शुक्र है मेरे पास मैचिंग कलर है। पूरे होल पर मैं लंबी लंबी स्ट्रिंग्स बनाऊंगी और अब हम उल्टा करेंगे।
टीचर के आने से पहले मुझे इसे खत्म करना होगा। हो सकता है कि वो इस पर ध्यान ही न दे। बस हो ही गया, बस कुछ लाइंस बाकी हैं। हाँ हो गया, मैंने इसे पूरा कवर कर दिया और अब मैं यहाँ बीकर रख दूंगी। अब ये काम करना चाहिए। ओ, तो तुम यही हो। खैर अच्छा किया, जाओ बैठो। ध्यान से, ये तो बहुत रूड है। जो भी है मुझे तैयार होना चाहिए। ये बेल्ट कितनी प्यारी है, बस ये थोड़ी छोटी है। ओ नहीं, मेरे नेल्स नहीं, ये खराब हो गए। बहुत बुरा हुआ। अपने आप को देखो, मेरे पर छोरे नेल्स। लूजर, तुम सबसे बुरी हो। कोई बात नहीं, मैं ये ठीक कर सकती हूँ। ये काम आएगा। समझ गए। इमरजेंसी नेल रिपेयर करने के लिए पहले अपनी उंगलियों पर टेप लगाएं, अब एक वुडन स्टिक लें और इस टेप को नेल में प्रेस करें और अब एक पेन से आउटलाइन बनाएं। अपनी नेल से टेप को निकाल लें, अब उसे फ्लैट सरफेस पर रखें और अब बाकी का नेल बना लें। ओवल शेप बनाएं, 3D पेन लें और नेल टेम्पलेट को फिल कर लें। लाइंस के बीच बीच में रहना चाहिए। अब कुछ पेंसिल या वैसा ही कुछ लेकर इसे थोड़ा मोड़ कर एक कर्व बना दें। अब टेप से फेक नेल निकाल दें। आराम से करें, हमें नेल तोड़ना नहीं है। अब फालतू का प्लास्टिक काटने के लिए नेल सीजर्स इस्तेमाल करें। इंक के साथ साथ काटना है, अब हमें इसे बस लगाना है। अब इसे बाकी उंगलियों पर भी लगा दें और पाएं शानदार नेल्स। अच्छे लग रहे हैं। वाह, अब मैं तैयार हूँ। ये कमाल के लग रहे हैं। हे, ध्यान से हटाओ इसे। हटो, तुम्हें हुआ क्या है? जरा टाइम देखो, सफाई करने का टाइम है। निकलो यहाँ से। बहुत हुआ, ये लो, भागो यहाँ से। मैंने उसे सबक सिखाया। होमवर्क करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर करते रहना होगा। अब ये पूरा नहीं हुआ, मैं बहुत थक गई हूँ। जरा झपकी ले लूं। देखते हैं। हाँ बिल्कुल, अब समझ आ रहा है। ये फॉर्मूलास और कैलकुलेशंस काम आएंगी। बिल्कुल, मैं वो थ्योरम कैसे भूल सकती हूँ। वाह, कितनी जल्दी जल्दी कर रही हो मैथ वेज, देखकर अच्छा लगा। बस थोड़ी सी और कैलकुलेशंस। एक सेकंड रुको। हाँ यूरेका, मेरा होमवर्क, मेरी सारी मेहनत ये गीली हो गई और खराब। नहीं, हे भगवान, मेरा होमवर्क गीला तो नहीं है? भगवान का शुक्र है, वो बस एक सपना था। तुम अभी भी अपना होमवर्क कर रही हो? वो ऐसे क्यों देख रही हो, तुम मुझसे गुस्सा हो? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं रेस्ट नहीं ले सकती, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। ये रहा मेरा 3D पेन, तुम इसके लिए तैयार हो? इस मग को उल्टा करेंगे और अब मैं इस मग को इस पेन से प्रेस कर लूंगी पूरा घुमाकर। तो चलो अब मग को हटा देते हैं, अब बस इस सर्कल को फिल करना है। इसे करने का सबसे आसान तरीका, बस इसे घुमा घुमाकर करते जाएं। अगर लाइंस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है तो भी कोई परवाह नहीं, बस करते जाएं। सीधी लाइंस किसे चाहिए? तो चलो बस आखिरी लाइन और ये हो गया। टडा, मैंने मग के लिए कवर बना दिया। अब ये पूरा नहीं हुआ, थोड़ी और टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बनाएंगे। अब इसे वापस कवर तक ले जाएंगे और इस शेप में इसे फिल करते जाएंगे। जब ये वाला हो जाए तो मैं और बनाऊंगी। एक एक को अच्छे से फिल करना है। ये मैंने कर दिया। चलो इसे टेस्ट करें। शानदार, ये बिल्कुल टिका रहता है। एक परफेक्ट छोटा सा मग कवर। वाह, तुमने कैसे बना दिया। और देखो, मैं ड्रिंक भी पी सकती हूँ। और अब ये ढक्कन वापस लग जाएगा। अब मुझे अपने होमवर्क के खराब होने की परवाह नहीं और ये गीला भी नहीं होगा। आज ही वो रात है। मेरे बगल की बदबू है। इससे थोड़ा सही रहेगा। हो गया, वो भी आने ही वाली है। टाइम हो गया, तुम इधर जाओ दोस्त, वो आ रही है। हे हाय बेबी, तुम मानोगे नहीं आज क्या हुआ। तुम डिजर्ट क्यों नहीं खाती? ठीक है तो आज काम पर। हाँ
उसने वो निगल तो नहीं लिया ना? क्या तुमने रिंग नहीं देखी? मैंने वो तुम्हारे डिजर्ट में डाली थी। ये तो सही नहीं हुआ। नहीं, तुम्हारा नेकलेस। क्या? कुछ भी नहीं। रुको, ये छोटा सा स्ट्रेटनर देखे, इस पर वैक्स पेपर लगाए और बीच में बीज रख दे। अब प्रेस करे। वो कितना कूल है। अब इसे सीधा निकाल ले और मार्कर के ऊपर लपेटे और इसे सख्त होने दे। देखा बेटी? क्या? ओह, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे बहुत खुशी होगी। क्या? स्विंग से बेहतर और कुछ नहीं है। मैं आ रही हूँ क्लेयर। देखो मैं कितनी तेज भाग सकती हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखने के लिए शुक्रिया। वो मेरा फोन, कोई उसे बस पकड़ ले। मैंने पकड़ लिया, बस पकड़ लिया। ये लो, बाल बाल बचे। नहीं, बस इस पर स्क्रैचेस ना आए हो। तुमने फोन केस के बारे में सुना है? पर ये तो बहुत डर लग रहा है। जैसी तुम्हारी मर्जी। समझ गए। अगर आपको भी एक प्यारा सा फोन केस चाहिए तो इस पर 3D पेन से डिजाइन बनाए। तुम्हें पता है मैं क्या बना रही हूँ? मैं हिंट देती हूँ, इसमें बहुत सारे कलर्स होंगे। शुक्र है मैं ये सारे ले आई थी। अब ग्रीन वाला ले आओ, इसमें बहुत सारे लाइंस बनेंगी। और ग्रीन के बाद मैं इसमें एक सुंदर सा ब्लू कलर करूंगी। देखो कितनी प्यारी लाइंस हैं। और बस ये बुरा होने ही वाला है, पर यहाँ पर थोड़ी धूप भी होनी चाहिए, इससे कोई भी खुश हो जाएगा। जब ये सूख जाए तो इसे अपने फोन पर लगा लें। मेरा नया फोन केस तो देखो, ये बहुत बोरिंग नहीं रहा है ना? क्या बात है। अब वापस काम पर लग जाओ। तुम्हें कुछ भी नहीं आता क्लेयर। हाय। एक लड़का। ये लो, देखते हैं मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, तुमने क्या देखा? कार्ड्स। कूल। सब ठीक है। ठीक है, घबराओ मत, क्रिस्टल बॉल सब बताती है। मुझे प्यार का मतलब दिखाओ क्रिस्टल बॉल। क्या ये भी होता है? मैंने पता नहीं क्या क्या देखा। मुझे जाना चाहिए। रुको, मैं कुछ बता सकती हूँ। हाँ, यही। थोड़ी एपॉक्सी ले और इसके अंदर रेड फूड कलरिंग डाली। अब इसे अच्छे से मिला दे। कितना सुंदर है ना? अब जो चाहे उस मोल्ड में इसे डाल दे और जब ये सख्त हो जाए तो इसे निकाल लें। पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। नेकलेस तैयार है। जरा रुको, मुझे पसंद आया, ये परफेक्ट है। मुझे पसंद करता है। शुक्रिया, मजे करो। बाय, चलो चले। मेरा तो ये रोज का काम है। लो, ये लो। रुको, मुझे किस करो, तुम ही मेरा प्यार हो। मॉर्निंग जूली, मेरा नया मग कितना सुंदर है ना? ओह, बहुत प्यारा है। मैं देख सकती हूँ? बिल्कुल नहीं बटरफिंगर्स। हाँ तो ठीक है, मुझे इसे कहीं रखना होगा। वो शेल्फ्स तो बहुत ऊंचे हैं। जूली यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, हील्स में भी नहीं। फिर मिलते हैं। वो देख तो नहीं रही ना? हम वो मग लेकर रहेंगे। बस पहुंच ही गई, मैं यही से टेस्ट कर सकती हूँ। हाँ,
ओह नहीं, ये कैसे हो गया? अब तो मैं गई। मुझे सबूत मिटाने होंगे। इसके नीचे देखता भी कौन है? मेरा 3D पेन। शायद मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। पहले फॉइल से एक शेप बनाएं। जब ये पूरा कवर हो जाए तो इसे सूखने दें और फिर निकाल लें। अब हमें थोड़ी क्रिएटिविटी की जरूरत है। एक बड़ा सा दिल बनाते हैं और अब उसे फिल करें। इस तरह ऊपर नीचे लाइंस बनाते जाएं और ये हो गया। एकदम शांति से करना होगा। लो, चलो देखें। ओहो, ये मग कितना प्यारा है। कितनी प्यारी सुबह है, मुझे तैयार होना चाहिए। उठ जाओ, मॉर्निंग। मैं दांत ब्रश कर लेती हूँ। मुझे अभी भी नींद आ रही है। ओह, गुदगुदी हुई। मेरे दांत चमक रहे हैं। ओ नहीं, शायद वो ध्यान ना दे। ठीक है, अब क्या करना है? मेकअप सही लग रहा है। ओह, मेरे इयररिंग्स, जल्दी से पहन लेती हूँ। दूसरा वाला कहाँ है? मुझे मत देखो, मुझे नहीं पता। उसे पता नहीं चला। बहुत अजीब बात है। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास एक आइडिया है। एक 3D पेन इस्तेमाल करके एक ट्रायंगल बनाना शुरू करें। बिल्कुल इस तरह लाइंस को साथ साथ जोड़ें। जब ट्रायंगल का बेस बन जाए, एक अलग रंग इस्तेमाल करें। हमें वाटरमेलन बनाना है तो अलग अलग ग्रीन कलर्स इस्तेमाल करें। और अब बीज के लिए ब्लैक डॉट्स बनाएं। ब्लैक डॉट्स रेड प्लास्टिक पर अलग अलग होने चाहिए। जब ये हो जाए तो इसे पलटाएं और पीछे इयररिंग स्टड लगा दें। कितना फैशनेबल और स्वादिष्ट लग रहा है। पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। छोटी छोटी लाइंस बनाने के लिए 3D पेन इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ भी ऐसा ही करें। हमें एक लीफ की शेप बनानी है। ये अच्छा लग रहा है। अब इसे पलटाएं और एक छोटा सा क्लियर स्क्रॉल लगाएं। इसे काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल करें। ये आपके कान से लीफ को टिकाए रखेगा। वाह, अच्छा लग रहा है। मैं प्लम्बर बनना चाहती हूँ। मैं जानती थी।